संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी ने फूंका। आंदोलन चल रहा था, छात्र संघर्ष समिति का टूट जाता, चकनाचूर हो जाता। कांग्रेस को चाह रही थी कि इनके जाति धर्म के आधार पर बांट दो। पूर्ण शासन जो कांग्रेस की शासन थी उससे लड़ते रहे, लड़ करके फतह की। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश जी ने फूंका, संपूर्ण क्रांति का नारा। और ये हमारे छात्र जो जेपी सेनानी थे, लोकनायक की दर्जा भी उन्होंने घोषणा की। लोकनायक की दर्जा जयप्रकाश जी को कोई सरकार ने नहीं दिया है, यह आपको मैं चर्चा में नहीं किया, लेकिन लोकनायक की दर्जा उस समय जेपी सेनानियों ने दिया उनको, उस समय छात्र संघर्ष समिति ने दिया उनको। जेपी सेनानी तो आज बने हैं, जब यह क्रूरतापूर्वक सरकार गई, अंग्रेजों के जैसा जो व्यवहार करे तो उसका खत्मा हुआ, तब यह सरकार आई तो जेपी के आंदोलनकारियों को जेपी सेनानी के तौर पर घोषणा भी की और उनको एक सम्मान निधि भी देना शुरू किया। वह उनका कोई मानदेय नहीं, एक सम्मान निधि, मैं तो उसको सम्मान के तरीका से उनको प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने दिया कि मैं सम्मान निधि आपके तरफ समर्पित करता हूँ, और दिया। बहुत सारी समस्याएं आज भी इनकी है, होती भी रहती है, क्योंकि उस समय आंदोलन में जो गए, कितना का नौकरी छूट गया, कितना का पढ़ाई छूट गया, कितना उसमें आईएएस आईपीएस होते उनका वह छूट गया, कितने को डिग्रियां छूट गई, कितने के प्रोफेसरी छूट गए, या सारे चीज़ों से ये लोग गुजरे हैं। तभी जेपी सेनानी के रूप में और उस समय काले कानून को लोगों ने मात देने का काम किया। आज की भी सरकार, मैं बधाई दूंगा आज के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक के रूप में स्वीकार किया है। और आज सबका साथ सबके विकास का उनका मूल मंत्र है, सबके विश्वास के साथ सबके प्रयास। आज प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प और मंत्र और सूत्र है कि हम सबके प्रयास से ही हम सबका विकास संभव है, और सबका विकास जब होगा तो सबका विश्वास भी बढ़ेगा। उस समय जेपी सेनानियों ने भी कोई जाति धर्म का नारा नहीं लिया। अगर जाति धर्म रहता तो जेपी सेनानी का उस समय जो आंदोलन चल रहा था, छात्र संघर्ष समिति का टूट जाता, चकनाचूर हो जाता। कांग्रेस वह चाह रही थी कि इनके जाति धर्म के आधार पर बांट दो, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ या संकल्प के साथ जुड़े थे हर लोगों ने, मजबूती के साथ एक करके पत्तल उठाने से लेकर के और खाना बना करके खिलाने तक का काम किया, बिना खाए बिना पिए भी रहने का काम किया, भागते रहे, लाठी खाते रहे, गोली खाते रहे, लेकिन उसके बाद भी वह डिगे नहीं, भिड़ते रहे। वह उस समय क्रूर शासन जो कांग्रेस की शासन थी उससे लड़ते रहे, लड़ करके फतह किया उनको, उनको ख़त्म किया। और फिर जब नई सरकार आई तो एक राहत का सांस देश भी लेने लगा, देश के नौजवानों को भी मिला। और आज उसी का 48 साल बाद इतने स्तर पर एक जेपी सेनानियों का सम्मेलन था, मैं उसको नमन करता हूँ, सारे सेनानियों को। और आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, इस धरती पर यह सम्मेलन हो रहा है, इस धरती से भी मेरा बहुत बचपन का रिश्ता, बहुत मैं बच्चा था तब से इस धरती से रिश्ता है। कोई मैं नेता बनकर के यहाँ कभी नहीं आया, कि मैं सोचा भी सपना में भी नहीं कि मैं MLA बन जाऊँगा, मिनिस्टर बन जाऊँगा, MP बन जाऊँगा। मैं तो एक मित्रों और भाई के नाते में आया, और यहाँ के एक एक घर से, एक एक परिवार से, जाति धर्म के ऊपर उठ करके मेरा भाईचारे का रिश्ता रहा, आज भी वह रिश्ता है, कल भी रहेगा, मैं मुझे विश्वास करता हूँ। धरती से रहा मैं, नाव पर चढ़ करके घंटों नाव पर मैं घूमते रहा, उस समय जब बाढ़ आता था, जब आग लगी होती थी तो आग के लपेट के सामने कैसे आग को ख़त्म किया जाए उसके लिए, कैसे फिर उनको समान स्थिति में लाया जाए उसके लिए, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी हम सब एक भाई के नाते, एक मित्र और साथी के नाते इस सिताबदेरा की इस भूमि से मेरा वह संबंध रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा, हे ईश्वर, वह संबंध में कहीं कोई खोट ना आना चाहिए, वह संबंध मेरा बरकरार रहना चाहिए, मेरे आजीवन वह संबंध मेरा बना रहे इस धरती से। मैं यही नमन करता हूँ, पुनः जेपी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज के अवसर पर मैं जेपी सेनानियों से मैं आग्रह करूँगा कि आज आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको सम्मान के साथ देश को दिशा देने की आवश्यकता है। आज के नौजवान जो अगर भटक रहे हैं तो उनको मार्गदर्शक आता जब आप छात्र संघर्ष समिति में थे, जो उसका काम जेपी ने स्वयं संभाला था, लेकिन आज अब आप मार्गदर्शक बनकर के और देश में भटकने वाले कुछ युवा जो हैं, जो भ्रमित अगर कहीं ना कहीं से हो रहे हैं, उनको सही दिशा दीजिए, इस देश को आत्मनिर्भर बनाइए, जो प्रधानमंत्री का सोच है, ये देश को विश्वगुरु बनाइए, और उस विश्वगुरु और आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपका सहयोग रहे। और आपकी भी कहीं ना कहीं से कुछ समस्याएं होगी, उसका भी और उसके प्रति भी हम सब निश्चित रूप से उस बात को समय सही पर उठाएंगे, लेकिन आप हमेशा यह याद रखिए कि आप कभी भी
इसके वजह से जेपी के आंदोलन में नहीं गए थे कि मुझे बहुत बड़ा तगमा मिलेगा। आप इसलिए गए थे कि क्रूर शासक है, क्रूर शासक को भगाना है। हम रहें या न रहें, या क्रूर शासक को नहीं रहने देंगे, अंग्रेजों के जैसा संकल्प लेकर के गए थे। वह आपके लिए वह सम्मान है और यही हमेशा याद रखना चाहिए। कभी कभी कुछ मांग के लिए कभी कुछ लोग भटक जाते हैं, हमें लगता है कि वह अच्छा नहीं है। मांग तो करने का तरीका है, मांग रखने का तरीका है, मांग रखने और करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई, उसके तहत हम रखेंगे। लेकिन आप जब सार्वजनिक कहानी कहने लगेगा तो आपने जो त्याग किया है वो त्याग पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। आप त्याग उस लिए किया भी नहीं है। हमारी आज़ादी के लिए वीर सेनानियों ने क्या किया? उनको सोचा था कि हम आज़ाद होंगे तो हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे? उनको था कि भारत माँ को गुलामी के जंजीर में जकड़े नहीं रहने देंगे। हम रहें या न रहें, हम दिन चार रहें न रहें, तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम तो उसके लिए किए थे और जेपी सेनानी भी उसी के लिए किए थे। उनको क्या पता था किसको गोली लग जाती? ये बगल के साथी को गोली लगी होगी, बगल के साथी को उठा करके अस्पताल ले गए होंगे और वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित किया होगा। कान के बगल से गोलियाँ चल गई होगी, लाठियाँ पीठ पर खाए होंगे। उस समय तो वह जुनून था ना, और जुनून से ही परिवर्तन होता है। और आज जुनून है आत्मनिर्भर भारत बनाने की, स्वावलंबी भारत बनाने की, और देश के युवाओं को एक सूत्र बनकर विश्व गुरु बनाने की भारत के आज जुनून, यह हमें सबके अंदर हो। यही सबसे विनती और आग्रह करते हुए मैं पुनः जेपी के चरणों में वंदन और नमन करता हूँ। अब पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर।